हेलो एवरीवन, आदित्य श्रीवास्तव फ्रॉम प्रोफेशनल की एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम बात करें एमबीबीएस एडमिशन इन नेपाल के बारे में। आज हम डिटेल से बातें करेंगे। जैसे कि ऑलरेडी मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूं, नेपाल में एडमिशन क्यों लेना चाहिए, नेपाल आपके लिए क्यों कंपलसरी है फॉर इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, और नेपाल में इसके अलावा कि नेपाल का पैकेजेस क्या है, नेपाल के पैकेज स्टार्ट कहां से हो जाते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन से कॉलेज बेस्ट होंगे, गवर्नमेंट कॉलेज में आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं, तो इनके लिए वन बाय वन हम आप बातें करेंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहना चाहूंगा, जो भी हमारे नए व्यूअर हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो डियर फ्रेंड्स, जैसा कि स्टूडेंट्स बहुत ही कंफ्यूज है एमबीबीएस एडमिशन इन नेपाल के बारे में कि एमबीबीएस का एडमिशन नेपाल में कैसे होगा, क्योंकि लास्ट ईयर जैसे हुआ नीट के स्कोर ऊपर, एग्जाम के ऊपर कैसे होगा इस बार, तो मैं आपको बताऊं डियर फ्रेंड्स। जैसे कि अभी हमारी बात हो रही है नेपाल में, नेपाल मेडिकल काउंसिल से कुछ लोग हैं उनसे भी बात हुई, तो उन्होंने ये कहा कि अभी एग्जाम की डेट के लिए पहले भी हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके, तो उन्होंने कहा अभी आ जाएगा, कब आ जाएगा, पर अब जो उन्होंने बोला है कि इस मार्च के फर्स्ट वीक तक हर हाल में नहीं, 95% ये है कि आशा है, ये होप है कि मार्च के फर्स्ट वीक तक उनका एग्जाम की डेट वगैरह सब कुछ आ जाएगा। और डियर फ्रेंड्स, जो नेपाल की पैकेज है मैं पहले ऑलरेडी बता चुका हूं, वो कोई भी स्थायी पैकेज यानी कोई भी फिक्स पैकेज नहीं होते हैं, वो पैकेज डे बाय डे आपके बढ़ते रहते हैं। जैसे कि लास्ट वीडियो में बताया था 42 लाख से पैकेज स्टार्ट है, उस समय 42 लाख चल रहा था, पर अभी जो कॉलेज स्टार्टिंग है वो 48 लाख से स्टार्ट है, यानी मिनिमम आपको कोई भी कॉलेज 48 लाख से कम अभी तक कोई भी कॉलेज नहीं है वहां पे। और ये पैकेज जो 70 लाख 75 लाख तक के पैकेज जाते हैं नेपाल में। कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि इसमें हॉस्टल्स है या नहीं है, तो मैं आपको बताऊं, जो भी पैकेज हम बता रहे हैं, जो भी पैकेज कॉलेज दे रहा है, उसमें मैक्सिमम में हॉस्टल आपके इंक्लूड होते हैं। फूडिंग के चार्ज वो अपना अलग से लेते हैं, वो बहुत कम होते हैं इंडियन रुपीज में, अगर बात करूं तो 4 to 5,000 डिपेंड ऑन कॉलेज, कॉलेज कैसा, कौन सा कॉलेज है, वो अलग अलग उनके चार्ज होते हैं। अब बात करते हैं कि इस बार अगर आपका एग्जाम होता है तो एग्जाम में कुछ स्टूडेंट्स को लग रहा है अगर हम फेल हो जाएंगे या एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, उसके लिए आप हमारी हेल्प ले सकते हैं। हमारी जो एकेडमी आपकी प्रिपरेशन करवाएगी, वो नियर अबाउट जैसे एग्जाम की डेट आ जाती है वैसे 5 to 10 days पहले हम आपको जो है नेपाल में कहीं भी हम आपको प्रिपरेशन कराते हैं, उसके लिए हम आपको जो है काठमांडू में कराएंगे या बॉर्डर पे कराएंगे, तो हम आपको बता देते हैं सारी जानकारी कहां पे आपकी प्रिपरेशन होगी। तो इंडियन स्टूडेंट्स प्रिपरेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि नेपाल का एग्जाम अगर नीट के एग्जाम से उसकी तुलना करें यूजी के, तो नेपाल का एग्जाम थोड़ा सा नीट से थोड़ा सा ऊपर होता है, यानी जो 150-200 बच्चे हैं ये मे बी फेल भी हो सकते हैं, तो इनके लिए प्रिपरेशन का भी साथ ले सकते हैं हमारा। और मैं आपको बताऊं डियर फ्रेंड्स, की जो पैकेजेस की बात हो रही है, टीयू और काठमांडू यूनिवर्सिटी में कोई भी यूनिवर्सिटी ले सकते हैं। टीयू जैसे ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, टीयू आपकी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, काठमांडू आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट तो काठमांडू यूनिवर्सिटी के ही कॉलेज चूज करते हैं। अगर आप टीयू यूनिवर्सिटी चाहते हैं, टीयू यूनिवर्सिटी के लिए भी आप हमारे काउंसलर से बात करके आपकी सीट लॉक कर सकते हैं, अपने एडमिशन का प्रोसीजर जान सकते हैं। अब बात करते हैं, अगर एग्जाम होता है तो एग्जाम में आपको क्या और अच्छा हो सकता है, आपके लिए कैसे वो बेनिफिशियल होता है, तो मैं आपको बताऊं कि जैसे नेपाल में 3 से 4 आपके गवर्नमेंट कॉलेज है, आप ऑलरेडी जान रहे होंगे बीपी कोराला, आईओएम आपका पतन अकेडमी एंड आरएनबी स्कूल्स, ये आपके गवर्नमेंट कॉलेज हैं। पहले क्या होता था कि बीपी कोराला का आपका अलग एग्जाम होता था और आपका आईओएम का अलग एग्जाम होता था। अब क्या हो गया है कि अगर आप जो है गवर्नमेंट में भी ट्राई करना चाहते हैं तो आप सेम एग्जाम में आपका जो है बीपी कोराला भी आप ले सकते हैं, आईओएम भी ले सकते हैं, जैसे आपकी स्कोरिंग रही। तो एक अच्छा बेनिफिशियल आपको ये मिल सकता है कि आपको प्राइवेट के पैकेज, जैसा कि 48 मैंने बताया, 48 के ऊपरी पैकेज जा रहे हैं, तो ये जो गवर्नमेंट कॉलेज है इनके पैकेज आपके 40-45 लाख में, इनके पैकेज कंप्लीट कुछ और कम है, कुछ थोड़ा सा आगे भी है, तो ये गवर्नमेंट कॉलेज भी आप ले सकते हैं, इनको भी एक बार देख सकते हैं, अगर आपकी अच्छी स्कोरिंग आती है तो ये कॉलेज भी आपको मिल सकते हैं। इनके लिए भी आप हमारी एकेडमी से बातें कर सकते हैं, आप उनसे काउंसलर से बात करें कैसे क्या इनके लिए प्रिपरेशन करें, क्या तो आपको पूरी डिटेल्स देंगे किसकी क्या फीस है। अब ये स्टूडेंट बता रहे हैं अगर आपको जो है फिर भी आपने अभी सीट अपनी बुक करना चाहते हैं तो हमारे काउंसलर से कॉल करें और उनसे अपना एडमिशन का प्रोसीजर जाने और अपनी सीट बुक कर सकते हैं। अभी हम आपको जो पैकेज अभी चला उसी पैकेज में आपका एडमिशन ओके करेंगे। थैंक यू।